राजूरा में जागतिक पर्यटन दिन साइकिल रैली के माध्यम से मनाया गया। यहां उपक्रम पर्यटन के विकास के लिए किया गया है। प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए और कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए यह उपक्रम किया गया। 27 सितंबर को पूरे जग में पर्यटन दिन मनाया जाता है। पर्यटन संचालनालय नागपुर एक मोकला स्वास्थ्य कृषि और ग्रामीण पर्यटन चनखा राजूरा द्वारा यह अनोखे तरीके से साइकिल रैली निकालकर पर्यटन दिन बनाया गया। 8 किलोमीटर साइकिल रैली निकालकर जागतिक पर्यटन दिना निमित्त राजूरा ये थे। साइकिल रैली पर्यटन संचालनालय विभागीय कार्यालय नागपुर और एक मोकला स्वास्थ्य कृषि व ग्रामीण पर्यटन केंद्र चनाखा राजूरा इनके संयुक्त विधम और फ्रेंड सपोर्टिंग क्लब राजूरा इनके सहकार्य से राजूरा से चनाखा इस मार्ग पर 8 किलोमीटर की साइकिल रैली निकालकर इस साल पर्यटन दिना का बिद्रवाक के सर्वांगीण विकास के लिए पर्यटन इसका प्रसार सभी लोगों तक पहुंचाया गया। साइकिल रैली का उद्घाटन राजूरा के उपमंडल पुलिस अधिकारी राजा पवार ने हरी झंडी दिखाकर किया। पर्यटन केंद्र पर गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विभिन्न औषधीय पौधों का रोपण किया गया। पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजित साइकिल रैली में राजूरा रामपुर के 8 वर्षीय श्रीरंग कोल्हापुरे ने भाग लिया और राजूरा से चनाखा तक 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया। इस साइकिल रैली में राजूरा के छोटूलाल सोमालकर ने अपने पिता की 60 वर्षीय साइकिल के साथ भाग लिया। आज बाजार में नई नई साइकिलें उपलब्ध हैं, लेकिन पुराने जमाने की यह 60 साल पुरानी साइकिल ने लोगों का ध्यान खींचती आकर्षित किया। पर्यटन संचालनालय नागपुर एक मोकळा श्वास कृषि व ग्रामीण पर्यटन केन्द्र चनाखा आणि आमच्या राजूरा येथील फ्रेंड स्पोर्टिंग क्लब यांच्या विद्यमाने ही एक सायकल रॅली काढली होती, जी एक नॅचरल बाईक म्हणजे आज प्रदूषणापासून दूर व्हावं यासाठी एक सायकल रॅली या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचावं या उद्देशाने आपण हे केलेलं आहे। पर्यटन दिन हा जगामध्ये मनवला जातो। आज सगळी जनता ज्या समस्या आहेत, प्रदूषण आहे, कोरोनासारखी महामारी आहे, या सगळ्यापासून एक मोकळ्या वातावरणात फिरण्यासाठी पर्यटन आवश्यक आहे। एक मोकळा श्वास कृषी पर्यटन आणि फ्रेंड स्पोर्टिंग क्लब यांचे जॉईंट व्हेंचर च्या वतीनं राजूरा ते एक मोकळा श्वास पर्यटन स्थळापर्यंत सायकल रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। त्यामध्ये सर्वांनी उत्साहाने भाग घेतला आणि हा उपक्रम सक्सेस यशस्वी करून दाखविला, त्याबद्दल खरोखरच हे एक प्रशंसनीय काम आहे। मागील 5 ते 6 वर्षापासून एक मोकळा श्वासचे संचालक पर्यटन उभं करण्यासाठी सातत्यानं धडपड करीत आहेत आणि आज आम्ही इथं आलेलो आहोत। हे चित्र पूर्ण पाहिल्यानंतर असं वाटतं की शहरापासून काही किलोमीटर अंतरावर उभं झालेलं आहे पर्यटन येणाऱ्या काळामध्ये सर्वांसाठी एक प्रेक्षणीय राहील आणि एक दिवसचा विरंगुळा म्हणून सर्वांना उत्साही आनंदी वातावरण करण्यास पर्याप्त होईल अशी अपेक्षा करतो। इस अवसर पर मोकला श्वास कृषि और ग्रामीण पर्यटन केंद्र के संचालक रिंकू मस्कोले, नितिन मुसले, रुपेश शिवणकर, फ्रेंड सपोर्टिंग क्लब राजूरा के पंडरीनाथ बोंडे, रवि जामुनकर, डॉक्टर राजेश कतवारे, नरेंद्र काकड़े, हरभजन सिंह भट्टी, संदीप जैन, किशोर गुरु, गणेश रेकलवार, बद्री चन्ने, डॉक्टर पूजा शिंदे, भावेश ठाकरे, कृष्णा छोटूलाल सोमलकर, मनोज कोल्हापुरे, राकेश नामेवार, सतीश राजूरकर, अभय पोष्टिवार, अनिल आवारी, घनश्याम हेपट, विद्या वागदरकर, प्रशांत मगडीवार, कपिल बॉबडे, कृष्ण कुमार श्रीरंग कोल्हापुरे, भास्कर कमरकर, अक्षय मस्कोले, अभी कोंडावार, सोनी मडावी, अनिल वांड्रे के साथ और भी नागरिक मौजूद थे।